हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है, ये देखिए, इस प्लांट के ऊपर मैं बात करूंगी। ये है पत्थर चट्टा। मेरे पास तीन वैरायटी का है ये, और उसमें से एक वैरायटी तो पत्थरी जिसको हो जाती है उसको खाते हैं। एक पत्ता बड़ा है तो एक पत्ता, नहीं तो छोटे हैं तो दो पत्ते हैं, इसको खिलाते हैं तो पत्थरी निकल जाती है। लेकिन अपने डॉक्टर से बिना पूछे वो आप मत खाइए, अगर आपको कुछ बीमारी और भी है तो शायद साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कुछ नहीं है तो इसको एक पत्ता खा सकते हो। गाइस, तो मैं आज इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इसकी केयर के बारे में और इसकी प्रोपोगेशन के बारे में। तो इसकी केयर और प्रोपोगेशन कैसे होती है, यही मैं आज आपसे बात करूँगी। क्योंकि ये भी देखिए, एक वेराइटी ये है जो इसका लीफ देख रहे हैं आप, 1 फीट से भी ज़्यादा है। ये देखिए, ये पत्ता नहीं खाते हैं। ओके गाइज, ये पत्ता नहीं खाते हैं ऐसा बोलते हैं, और ये वाला खाने के काम आता है। ओके गाइज, ये देसी पत्थर चट्टा है, और ये वाला देखिए, ये ब्यूटी में बहुत तो आगे है। इसकी ब्यूटी देख रहे हैं आप, देखिए इसका लीफ ही बहुत तो डिज़ाइन वाला है। देखेंगे आप तो इसका लीफ ही बहुत काफ़ी डिज़ाइन वाला है। देख रहे हैं, देखिए ये लीफ पूरा ये है और ये है। लेकिन इसके ग्रो पॉइंट कहाँ रहते हैं, ये देखिए, जो ये जितने भी ये निकल रहे हैं ये प्लांट्स हैं। ये आप एक ऐसा निकाल निकाल के लगा देंगे तो प्लांट्स आ जाएंगे आपके पास। ये देखिए, ये गाइस। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक गाइस, और बने रहिए, देखते रहिए NTSR इकोनॉमिक गार्डनिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इसको मिट्टी, इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है, और इसकी मिट्टी आप अगर पोरस रखेंगे, जैसे कि मैंने रखी है, ये देखती है, ये देखिए पोरस, बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल पोली मिट्टी होना चाहिए, जो ऐसी मतलब ठोस नहीं होना चाहिए। और ये ठोस मिट्टी में नहीं आएगा, आ तो जाएगा लेकिन उतना अच्छा ग्रो, जिस तरह से ये ग्रीन ग्रीन लीफ और बड़े बड़े हो रहे हैं, इस तरह से नहीं होंगे गाइज। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हर प्लांट को पोरस मिट्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप मिट्टी अच्छी नहीं देंगे तो ये प्लांट आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और बेकार रहेगा। किसी भी प्लांट को आप लगाने के लिए मिट्टी अच्छी बनाइए, यानी एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट, कोई सी भी कंपोस्ट गाइस, कोई सी भी कंपोस्ट मिला के आप लगाएंगे तो कोई सी भी काउडंग बहुत आसान होती है, वही ज़्यादातर लोग वही डालते हैं। और अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो वो एक हिस्से में डाल सकते हैं, आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो एक हिस्से में डाल सकते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है तो काउडंग तो हो, हर किसी के पास मिल ही जाता है, तो काउडंग को एक हिस्से में मिलाकर डाल दीजिए बस। और एक साल तक कुछ भी नहीं डालेंगे तो ये आपका ऐसी प्लांट चलेगा। और इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए, मतलब लाइट धूप, जैसे सुबह शाम की। अगर 3 घंटे भी मिल जाती है, यहाँ पे ये 3 घंटे वाला है, 3 घंटे इसको धूप मिलती है सुबह से लेकर 12 बजे तक, इधर 8-9 बजे से आती है और 12 बजे तक धूप रहती है बस, इसके बाद धूप नहीं रहती है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ये देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने मोती जड़ दिए हो चारों तरफ, इसके कोनों कोनों पे मोती जड़े हों जैसे। ये देखिए, ये झड़ जा रहे हैं ये प्लांट। आप इसको गाइस, पानी इसको बहुत कम ज़रूरत होती है पानी की, ये पानी कम मांगता है क्योंकि इसके फ्लैशी लीफ होते हैं, ये देख रहे हैं आप, मोटे मोटे फ्लैशी लीफ होते हैं, तो इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। और गाइस, पानी आप एक दिन छोड़ के भी देते हैं, अगर आपका प्लांटर छोटा है, अगर मिट्टी सूखी दिख रही है तो आप दे दीजिए, वरना एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के भी आप देंगे तो ये प्लांट आपका हमेशा चलता रहेगा। और इस पर कोई वो नहीं लगता है, मतलब कुछ जैसे ब्लैक एफिड्स या फिर वो मिलीबग बहुत कम ही दिखाई देता, कभी हमारे पास तो अभी आज तक नहीं लगा है, लेकिन अगर आपके पास लगता है तो आप नीम ऑयल का छिड़काव करिए, क्योंकि अगर ये खाने की चीज़ है तो नीम ऑयल का छिड़काव बहुत बेस्ट होगा इसके लिए। अगर हाँ इस पे कर रहे हैं, ये खाते नहीं हैं, ये सिर्फ बीटी के लिए रखते हैं, और ये
तो इस पे कर रहे हैं तो दूसरा पेस्टिसाइड कर सकते हो, लेकिन ये जो खाने वाला है इस पे पेस्टिसाइड का छिड़काव मत करिए। ओके गाइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि खाने की चीज़ पे हम पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं। अगर जैसे कोतमीर है, करिया पाक है, ऐसी चीज़ों पे आप भी मत डालिए, और ये भी एक खाने की चीज़ है तो आप भी वो मत डालिए। और इसकी प्रपोगेशन भी गाइस देखिए इस तरह से, ये जो दिख रहे हैं ये, इसको आप ऐसे निकाल लीजिए, हाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, ये देखिए झड़ रहे हैं। और इसको मिट्टी में ऐसे डाल दीजिए, जैसे कहीं भी मिट्टी में आपको लगाना है तो इस तरह से आप डाल दीजिए, ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए सीधे सीधे, और ये अपने आप ही मिट्टी को पकड़ लेगा। ओके गाइस, तो गाइस और ये देखिए, ये तो ये भी देखिए, देख रहे हैं आप, ये भी इसकी प्रोपोगेशन भी लीफ में, इसके ग्रो पॉइंट रहते हैं, तो ये लीफ में ऐसे, ये देख रहे हैं ये लीफ ही है, और लीफ मिट्टी में टच हो गया, ये अपने आप आ गए प्लांट। इस तरह से आप मिट्टी में रख दीजिए और आपके प्लांट तैयार हैं। ओके गाइज, तो गाइज अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए गाइज, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइज। तो हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।